वेलकम बैक टू आर डेली गार्डन ब्लॉग सीरीज़। ये देखिए हमारे करी पत्ता के अपडेट्स हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छे सुंदर से घना उशी। और ये देखिए हमारे यहाँ धनिया भी उग रहा है, इसको मैं इसी चिड़ियों से बचाने के लिए जैसे ही शाम होती है मैं इसे ढक देती हूँ। चिड़ियाँ और बहुत सारे स्क्विरल्स भी आती हैं जो परेशान करती हैं। यहाँ हमारे पास है लौकी का प्लांट, देखिए इसमें भी लौकी की ग्रोथ अच्छी खासी है, गिलकी में भी अच्छी खासी देखिए फ्लावरिंग होने वाली है। ये हमारे पास रेड चींटियाँ हो गई थी तो मैंने थोड़ा सा पाउडर डाला है, ये देखिए चींटियों को भगाने वाला पाउडर है। और इधर हमारे पास है बैंगन के प्लांट, देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी अपडेट्स हैं। और ये हमारा बॉन्साई जेड का, कितनी प्यारी ग्रोथ है और बहुत ही अच्छा सुंदर सा नज़र भी आ रहा है। इधर हमारे पास फ्लावरिंग भी होने वाली है, ये क्रिसैंथेमम, वाइट क्रिसैंथेमम है जो विंटर फ्लावरिंग है गुलदाउदी। और इधर हमारे पास कुछ सक्कुलेंट्स हैं, एक लक्ष्मी कमल सक्कुलेंट्स, देखिए कितने सुंदर से और बहुत ज़्यादा प्यारे। इधर हमारे पास ये भी देखिए कितने प्यारे तरीके से ग्रो हो गया पुदीना, बहुत अच्छा हरा भरा घना। और यहाँ कुछ और लक्ष्मी कमल सक्कुलेंट्स हैं, और यहाँ पे भी हमारा ये स्नेक प्लांट्स लगे हुए हैं। इधर हमारे पास है कड़ी पत्ता और तुलसी लगा है, यहाँ पे देखिए तुलसी की कितनी अच्छी ज़्यादा ग्रोथ है, विंका भी है देखिए इसमें साथ में। और इधर हमारे पास ये रेड रोज़ का प्लांट है जो हमने कटिंग से लगाया था, इसमें फ्लावरिंग हो रही है ढेर सारी, यहाँ पे भी ये फ्लावरिंग हो रही है। और इधर हमारे मिर्ची के प्लांट में और टमाटर में तो अच्छी खासी टमाटर बन रहे हैं देखिए, और ये यहाँ पे बन रहे हैं और बहुत सारी फ्लावरिंग भी हो रही है। तो इधर हमें टमाटर यहाँ से मिलेंगे, शमी के प्लांट में भी न्यू ग्रोथ है और यहाँ पे भी देखिए टमाटर की फ्लावरिंग हो रही है। इधर भी कुछ क्रिसैंथेमम्स हैं, कुछ बैंगन का पेड़ है, और यहाँ पे हमारे ये कोलियस सुंदर सा और हमारा मनी प्लांट, देखिए कितना सुंदर नज़र आ रहा है हमारा कोलियस। बाकी यहाँ पे अगर आपको भी ऐसे ही वेजिटेबल्स और फ्लावरिंग प्लांट्स अपने गार्डन में उगाने तो मेरे वीडियो को ज़रूर फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी टिप्स मैं देता हूँ उसे ज़रूर फॉलो करें। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी गार्डनिंग।